आपको कॉलेज सभी अध्यापक आज का दिन 29 सितंबर 2011 अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। ये कई मायने में महत्वपूर्ण है। आज के संक्षिप्त पुनरेखन पुनरेखन इसको अगर आम बोल जाती भाषा में कहें तो नाम जोड़ने नाम जोड़ने के कारण नाम जोड़ने का कार्य तो आज से एक आत्मसारण होने वाला है। आप सभी जानते हैं नहीं थोड़ा सा कार्यक्रम है कि आगे विधानसभा चुनाव निकट भविष्य में होना है, तो ये पुनरीक्षण कार्यक्रम में जो नाम जोड़ने का जो कार्यक्रम है आगे विधानसभा चुनाव के पहले का अंतिम पुनरीक्षण कार्यक्रम है, जिनका नाम नहीं जुड़ा है, जिनका वोटर आई डी कार्ड नहीं बना है, एक अंतिम और सुनहरा अवसर है। इस अवसर पर अगर चूक गए तो फिर काफी प्रतीक्षा करनी हो जाएगी, क्योंकि तो चुनाव है हमेशा हर हर बार नहीं आता, पाँच साल इंतजार करना पड़ता है जिसमें आपको चुनाव का नाम वोट डालने के लिए पाँच साल विधानसभा चुनाव अगले वर्ष 2012 में हो रहा है, फिर उसके बाद पाँच साल आपके लिए जाँच करना पड़ेगा, तो ऐसा कई मायने महत्वपूर्ण है। आज आपके बीच में आकर हार्दिक प्रसन्नता का, क्योंकि हमें काफी संख्या में युवा पर देख रहा और युवा पर के चेहरों से उत्साह की झलक, आत्मविश्वास की झलक और जो हमारा उद्देश्य है मतदाता जागरूकता, यह उद्देश्य पूरा होता हो नहीं रहा है। कम समय में आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और कॉलेज प्राचार्य जी को और पूरी टीम को बधाई देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ कि अत्यधिक कम समय में एक जागरूकता का बड़ा अभियान यहाँ पर शुरुआत किया है और मुझे आसानी से पूर्ण विश्वास है कि इसी प्रकार से आप शुरुआत कर रहे हैं। सर ये जो जागरूकता अभियान है ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और क्या कार्यक्रम है, कब तक चलाया जाएगा ये? 29 सितंबर से मतदाता जागरूकता अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इस तिथि का महत्व ये है कि आज से संक्षिप्त पुनरीक्षण जिसे कहते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति जो छुटा हुआ है मतदाता सूची में नाम आने से फॉर्म 6 भर करके अपना नाम बढ़वा सकता है। एक महीने का अभियान है 29 सितंबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक। कोई व्यक्ति जो हमारे देश का नागरिक है 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है मतदाता सूची में उसका नाम होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि 18 साल से उम्र का ज़्यादा उम्र का हर व्यक्ति जो या तो 18 साल पूरा कर चुका है अथवा 1 जनवरी 2012 को ही पूरा कर लेगा तब तक भी पूरा कर लेगा तो फॉर्म 6 भर के मतदाता सूची में शामिल हो सकता है। उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति जो मतदाता सूची में शामिल हो जाना चाहिए क्योंकि 18 साल से ज़्यादा हो। सर यहाँ पर हमारे कई स्टूडेंट्स से बात हुई जिनको पता ही नहीं है वोटर आई कार्ड क्या है और कैसे बनता है, उन लोगों के लिए आप क्या? देखिए तभी जो है ये जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि लोग मतदान में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि जो है उनका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। अभी जो है कई लोग को जानकारी नहीं होती है तो आप लोग के माध्यम से मीडिया के माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से अन्य भी जो प्रचार प्रसार के डिजिटल माध्यम है जैसे अभी संस्थान में इस प्रकार का जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है तो इन सारे माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुँचना उद्देश्य है ताकि उनको जानकारी हो जाए कि किस
किस प्रकार से मतदाता सूची में अपना नाम बढ़ा सकते हैं, कहाँ उन्हें फॉर्मशिप प्राप्त होगा, कहाँ जमा कर सकते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, आदि की जानकारी देना ही इस अभियान का उद्देश्य। सर, ये जो हेल्पलाइन नंबर और कॉल सेंटर आपने जो चालू किया है वो कैसे ऑपरेट होता है और उसको किस तरीके से अवेयर करने के लिए? ये नंबर आपको जैसे मैंने बताया कि 1880 1950 इस नंबर पे कोई भी व्यक्ति उसके लिए कोई 18 साल के कोई बदल सकता है, कोई फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकता है निर्वाचन संबंधित किसी प्रकार की जानकारी, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, कहाँ जमा कर सकते हैं, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आगे चल करके उसका। और जैसे मान लीजिए कि किसी को ये जानकारी करना हो कि कहाँ उनका बूथ है, तो निर्वाचन संबंधित सारी जानकारी इस नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। ये अभी 10-6 चल रहा है, आवश्यकता के हिसाब से इसको और आगे बढ़ाएंगे। सर, ये जो अभियान चल रहा है ये कहाँ कहाँ, पूरे प्रदेश में चल रहा है या सिर्फ लखनऊ के लिए? हाँ, पूरे प्रदेश में जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। हर जिले में जो है जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, जिससे निर्वाचन आयोग ने अपेक्षा की थी कि इस कार्यक्रम को काफ़ी व्यापक रूप में चलाएं, उनको जागरूक करें, ताकि जो है हमारा उद्देश्य है, जो हमारा पुनीत उद्देश्य है कि मतदाता सूची में हर 18 साल से ज़्यादा उम्र का मतदाता शामिल हो जाए, तो उस उद्देश्य की पूर्ति। स्टूडेंट्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट बन गया है हमारे ग्राम का? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं युवा वर्ग हैं वो एकदम 80% ऊर्जा का स्रोत है, उस ऊर्जा को सही दिशा मिलना जरूरी है। लोकतंत्र के प्रति जागरूकता उनमें उत्पन्न हो जाए, जो कि आपने देखा हो रहा है, हो गया है, तो इससे अच्छा शुभ संकेत लोकतंत्र से इसलिए नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा बड़ा शुभ संकेत नहीं हो सकता है। जो तो सही दिशा में जो है वो प्रवेश हो रहे हैं, वो अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत हो रहे हैं, लोकतंत्र के प्रति उनमें जागरूकता आ रही है, जागृत हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से समाज के लिए शुभ संकेत। सर, सिलेबस में जाना चाहिए कैसे आप वोटर आई कार्ड बनवाएं, कैसे कैसे आगे प्रक्रिया है? देखिए, वो तो अलग बात है, और मतलब हर चीज़ की जानकारी होना चाहिए, जो है हर चीज़ जो है मतलब वो, और कई चीज़ें जो हम समाज से भी सीखते हैं, कई चीज़ें अन्य संस्थाओं से सीखते हैं, कई टेक्स्ट बुक से सीखते हैं, तो वो तो जो है इम्पोर्टेंट है, हर जगह होना चाहिए। थैंक यू।